हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेसिपीज बाय आयुषी में। और आज मैं बनाने वाली कुट्टू डोसा और उसके साथ बनाऊंगी जीरा आलू और मिंट और कोकोनट की चटनी। ये एकदम हेल्दी रेसिपी है, नवरात्रे भी आ रहे हैं और अपनी डाइट भी नहीं भूलनी है, हमें एकदम कम ऑयली खाना खाना है, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। तो आप इस नवरात्रि इसको जरूर बनाइए और ऐसे ही हेल्दी व्रत की रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी कुट्टू डोसा। सबसे पहले ये एक बाउल में मैं ले रही हूँ एक कटोरी कुट्टू का आटा और अब मैं डालूंगी इसमें आधा कटोरी दही, आधा चम्मच जीरा पाउडर और दो चुटकी सेंधा नमक जो हम फास्ट में खाते हैं। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं डालूंगी इसमें पानी। पानी में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके डालूंगी, एक साथ सारा पानी नहीं डालूंगी और सबको अच्छे से एकदम मिक्स करना है, एकदम रनिंग बैटर बनाना है हमें। और पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, बैटर थोड़ा सा ज़्यादा पतला भी रख सकते हैं। तो मैंने देखी, मैंने ये इतना ही पतला ही बैटर रखा है और ये बैटर रेडी हो गया है। इसको मैं साइड में रखती हूँ और अब मैं बनाऊँगी मिंट और कोकोनट की चटनी। और मैंने ले लिया इधर 25 से 30 पुदीने के पत्ते और ये ताज़ा नारियल ले लिया है 5 से 6 पीस छोटे छोटे। ये मैं डाल रही हूँ अब सूखी एक लाल मिर्च, दो चम्मच दही, आधा चम्मच जीरा पाउडर, तीन चुटकी डाल रही हूँ ये मैं सेंधा नमक और एक चम्मच मैं डाल रही हूँ पानी। और सबको अच्छे से एकदम ग्राइंड करेंगे। और ये चटनी आप नॉर्मली भी बना सकते हैं और व्रत में अगर बनाएंगे तो आप किसी के साथ भी खाइए। ये तैयार हो चुकी है चटनी। अब इस चटनी को मैं एक बाउल में कर लेती हूँ और अब मैं बनाऊंगी जीरे वाला आलू। उसके लिए एक कढ़ाई में मैं एक चम्मच देसी घी ले रही हूँ, आप ऑलिव ऑयल या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और अब मैं डालूंगी एक चम्मच जीरा, उसको अच्छे से मैं भूनूंगी एकदम लाइट ब्राउन होने तक। अब मैं डाल रही हूँ 3 से 4 पत्ते करी के और ये मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं मीडियम साइज के, इनको ऐसे चकोर चकोर काट लिया है। अब डालेंगे आलू और 2 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप नहीं भी डालें। और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं डालूंगी 3 चम्मच सेंधा नमक, 2 चुटकी जीरा पाउडर सिर्फ टेस्ट के लिए और अच्छे से इसको भूनेंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। और ये सब पूरा बनाने में मुझे आधा घंटा लगा है। जीरा आलू रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं बनाऊंगी डोसा कुट्टू का। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑलिव ऑयल लगा रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी भी लगा सकते हैं। इसको अच्छे से पूरे पैन में फैला दूंगी और अब मैं डालूंगी डोसे का बैटर। और आप अपने हिसाब से कुट्टू डोसा को मोटा या पतला कैसा भी रख सकते हैं, या तो आप फिलिंग करके भी बना सकते हैं, मैं बिना फिलिंग के बना रही हूँ। कुट्टू डोसा एक तरफ से सिक चुका है, अब मैं इसको दूसरी तरफ से सेक रही हूँ और ये कुट्टू डोसा रेडी हो चुका है। अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ऐसे ही मैंने सारे डोसे रेडी कर लिए हैं। और ये एकदम हेल्दी रेसिपी है, अगर आप डाइट कर रहे हैं या आपको एकदम ऑयली नहीं खाना है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि कुट्टू जो है वो एकदम ग्लूटेन फ्री होता है तो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और सब चीज़ बनाने में मेरे को सिर्फ 2 से 3 चम्मच तेल यूज़ हुआ है और ये मेरे सारे डोसे रेडी हो चुके हैं। और ये हैं गर्मा गर्म कुट्टू डोसा विद जीरा आलू एंड मिंट कोकोनट चटनी। तो घर पर बनाइए इस नवरात्रि और सबको खिलाइए।